सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपने नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, धूप कितनी भी तेज हो समंदर सुखा नहीं सकती। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। आज का पंचांग 22 फरवरी 2022 दिन मंगलवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम 6:34 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:31 से 57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 22 फरवरी 2022 दिन मंगलवार, यह समय कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने का है। एक अनुबंध या रोमांचक नए निर्णय को आपकी समीक्षा की जरूरत है। ढीले सिरों को बांधे रखें और संबंधों में अगले चरण में जाने पर विचार करें। आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इन्हें हल करने के लिए समय निकालें। यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छा है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, इसलिए आपके सभी काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। किसी भी एक खास काम में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कोई कार्य हल हो सकता है। आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ति होने की प्रबल संभावना है। जीवन की बारीकियों पर गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे तथा यह परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। बेचैनी रहने की वजह से काम का बोझ महसूस होने लगेगा। जिम्मेदारी खुद से ही पूरी करने की कोशिश करें। कोर्ट से संबंधित बातें मुश्किल हो सकती है, फिर भी अपने काम का मार्ग ढूंढते समय आपको कायदे में रहकर ही काम करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काम में रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन काम की बाधाओं को दूर करने के लिए सही व्यक्ति का साथ भी मिलेगा। पारिवारिक बातों में उलझने उलझते रहने की वजह से जीवन साथी को वक्त नहीं दे पाएंगी। पुरानी बीमारी ठीक होती हुई नजर आ रही है, फिर भी सेहत से संबंधित चिंता हो सकती है। सावधानियां, कोई भी वार्तालाप करते समय गलत शब्दों का प्रयोग न करें तथा अपने अहम को नियंत्रित रखें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत रहेगी। आपको अचानक ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र का व्यवहार आपके अंतर्मन को ठेस पहुंचा सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। लिव इन पार्टनर या कोई करीबी मित्र आज आपके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है ताकि आपके और भी नजदीक आ सके, लेकिन काम के साथ आप व्यस्त हो सकते हैं। नई जॉब मिलने की संभावना है। नए वातावरण में नए संबंध बनेंगे। परेशानियों का सामना करने के लिए आज का समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप विपरीत लिंग से शर्माते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप में आत्मविश्वास की कमी है। भरोसा रखें, आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बात करते हैं करियर की। आज नए परिवेश या वातावरण में काम करने से धन का नुकसान हो सकता है। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट हैं, जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। व्यापार बिक्री खरीद के लिए समय, कानूनी समझौते और ट्राई अप की संभावना भी है। आज आप मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं सेहत की।
बीती नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।